हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एच एन अध्ययन में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोगों को मेरी क्लासेस भी अच्छी लग रही होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है आपको, तो आप मुझसे अपने डाउट्स जो है वो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, मतलब शिक्षण सहायक प्रणाली। कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम जो टीचिंग को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट रहता है वो टीचिंग में बना रहता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इट इज़ अ टूल्स दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट बाय बिल्डिंग न्यूअर कैपेसिटीज इन द टीचर। मतलब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में टीचर कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ करता है, कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करता है जिसके थ्रू बच्चे के अंदर नई नई चीज़ें जगती है, बच्चे के अंदर नए अचीवमेंट्स आते हैं और नया इंटरेस्ट जगता है उन चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, अब ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट ट्रेडिशनल, फिर मॉडर्न एंड देन ICT। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम चलते थे वो आपके ट्रेडिशनल टाइम पे क्या चलते थे हम उनको देखेंगे। फिर फोकस जो है वो शिफ्ट होके मॉडर्न टाइम पे आया। फिर हम देखेंगे कि मॉडर्न टाइम में कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम्स आए और उसके बाद में हम ICT वाला भी देखेंगे कि ICT की हेल्प से हम कैसे हमारी टीचिंग को एनहेंस कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड को कस्टमरी और कन्वेंशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है या फिर आपके इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जो हैं वो बेसिकली तीन तरह की होती है। फर्स्ट विजुअल, सेकंड ऑडियो, थर्ड ऑडियो विजुअल। अब विजुअल क्या होती है? वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज जिनको हम देख के सीख सकते हैं, है ना। ऑडियो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ कौन सी होती है? वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जिनको हम सिर्फ सुन के सीख सकते हैं। और ऑडियो विजुअल ऐसी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती है जिनको हम देख भी सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके तीन तरीके की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती है। ऑडियो जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे आपके रेडियो हो गए, उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते उसको। विजुअल है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, उनको सुन नहीं सकते, जैसे कि पिक्चर्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, है ना। और ऑडियो विजुअल की अगर हम बात करें तो वीडियो प्रेजेंटेशन में वीडियो भी रहती है तो उसमें ऑडियो भी रहती है। तो ये तीन तरीके की आपकी होती है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, ऑडियो विजुअल। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से। ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे पोस्टर्स हो गए, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, बुलेटिन बोर्ड्स, मैप्स, मॉडल्स, फोटोग्राफ्स, ये सब कुछ आपके ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन अब हम इन सभी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है ब्लैक बोर्ड से तो सभी परिचित हैं। ब्लैक बोर्ड क्या होता है? ब्लैक बोर्ड एक ब्लैक कलर का बोर्ड होता है जिसकी हेल्प से टीचर क्या करता है, अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता है और अपनी टीचिंग के थ्रू लर्नर्स को उस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। ब्लैक बोर्ड पर टीचर जो है वो चौक से लिखता है और जो भी उसको समझाना होता है, जो भी उसका कंसेप्ट होता है, वो ब्लैक बोर्ड पर लिख के अपने बच्चों को समझा सकता है। फिर है व्हाइट बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड जो है वो मोस्टली सिमिलर है, बस इनका ये डिफरेंस है कि ब्लैक बोर्ड पे हम जहाँ चॉक का यूज करते हैं वहीं हम व्हाइट बोर्ड पे पेन का या फिर मार्कर का यूज करते हैं। ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड था, व्हाइट बोर्ड जो है वो भी आपका ट्रेडिशनल मेथड ही है, लेकिन ये एक मॉडर्न इनोवेशन है बोर्ड के अंदर ही। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के अंदर ही ये एक मॉडर्न इनोवेशन है आपका व्हाइट बोर्ड, जिसमें हम मार्कर के थ्रू या फिर हम पेन के थ्रू लिखते हैं और लिख के बच्चों को समझाते हैं, चीज़ों को अच्छे से उनका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फिर है आपके चार्ट्स भी आपके ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आते हैं। चार्ट्स क्या होते हैं? चार्ट इज अ सिंबलाइज्ड विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी विद पिक्चर ऑफ रिलेशनशिप एंड चेंजेस विच आर यूज टू टेब्यूलेट अ लार्ज मास ऑफ इन्फॉर्मेशन और शो अ प्रोग्रेशन। मतलब चार्ट एक ऐसा विजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है, विजुअलाइज मतलब जिसको हम देख सकते हैं। चार्ट में जो भी पिक्चर्स, जो भी डायग्राम्स का यूज होता है उनको हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, इसलिए क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है, ऑडियो नहीं है इसमें। ठीक है, तो चार्ट एक ऐसा विजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है जिसके थ्रू हम हमारी टीचिंग को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके, अच्छे से याद कर सके।
अब चार्ट क्या है, दे ऑल्सो हेल्प इन समराइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन विजुअल फॉर्म। चार्ट के थ्रू हम बच्चों को चीज़ें दिखा दिखा के, समझा समझा के, अच्छे से अच्छे एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे में उनको समझा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मतलब मैंने आपको समझाया था कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो होती है जिनको हम ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच से परे है, जिसको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उनको हम चार्ट के फॉर्म में ला के बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं। सो दैट इज़ योर चार्ट। उसके बाद में है फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड आर ब्रीफ विजुअल मैसेज और पोस्टर बोर्ड। ये भी विजुअल मैसेज है क्योंकि इसमें भी हम सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, सुनने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। द कार्ड्स आर फ्लैश्ड बिफोर द ऑडियंस टू एम्फसाइज मेन पॉइंट इन अ प्रेजेंटेशन। अब फ्लैश कार्ड में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ होती है कि अगर उनको हमको ABCD पढ़ाना है या क ख ग घ पढ़ाना है हिंदी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, एक कार्ड होता है, कार्ड को हर एक बच्चे के सामने जाके ऐसे फ्लैश किया जाता है, मतलब हर एक बच्चे के सामने जाके दिखाया जाता है, और फिर उस कार्ड पे जो भी लिखा होता है, जो भी टीचर समझाना चाहता है अपने बच्चों को, जो भी सिखाना चाहता है, वो उस कार्ड के ऊपर लिखा होता है। जैसे अगर हमको ABCD पढ़ानी है अपने बच्चों को, तो हम काफ़ी सारे कार्ड्स लेंगे और एक एक कार्ड के ऊपर ABCD ऐसी लिखी हुई होगी, और फिर हम क्या करेंगे, हर एक कार्ड को एक एक बच्चे के सामने जाके फ्लैश करेंगे, मतलब बच्चों के सामने जाके दिखाएंगे उनको। उससे क्या होगा, बच्चों को वो चीज़ देख के अच्छे से जल्दी से समझ में आएगी। They are held like a pack of cards and are flashed to the audience one at a time in a sequence long. ठीक है, मतलब एक एक करके, one at a time, एक एक करके बच्चों के सामने वो flash card जो है वो दिखाए जाते हैं, cards को flash किया जाता है, जिसके through उनकी जो teaching है वो interesting बनती है और बच्चे को उस चीज़ को समझने में आसानी भी रहती है। तो ये है आपका flash card। अब poster क्या होता है? Next is your poster. It is displayed in a public place with the purpose of creating awareness among the people. पोस्टर का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं, है ना? पोस्टर का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक स्थानों पे करते हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको लोगों को जागरूक करना है वाटर कंजर्वेशन को लेकर कि हमको वाटर बचाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक उस पर पोस्टर क्रिएट करेंगे वाटर कंजर्वेशन के बारे में, दो चार लाइनें लिखेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उससे हमको फ़ायदे मिल सकते हैं, वो सब हम लिखेंगे उसके अंदर दो चार पिक्चर्स को भी ऐड करेंगे और फिर किसी पब्लिक प्लेस पे लगाएंगे, ताकि लोगों की नज़र उस पे पड़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों उस चीज़ को देखकर और लोगों के अंदर अवेयरनेस जगे, मतलब लोग जागरूक हो। तो इसलिए पोस्टर का यूज़ जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे किया जाता है, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट इज योर पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स। पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स क्या है? पिक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन मेड बाई पेंटिंग और ड्राइंग। फोटोग्राफी गिव्स एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ गुड पिक्चर इज एबल टू टेल अ स्टोरी विदाउट द यूज ऑफ सिंगल वर्ड। पिक्चर क्या है? पिक्चर एक पेंटिंग या फिर एक ड्राइंग होती है, और पिक्चर हम खुद बनाते हैं अपने हाथों से, लेकिन फोटोग्राफ जो है वो बनाई नहीं जाती है, वो ली जाती है। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं फोटोग्राफी के लिए, जिससे हम अच्छी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर जो है उसको बनाया जाता है और फोटोग्राफ जो है उसको ली जाती है। तो पिक्चर क्या है? पिक्चर एक पेंटिंग और एक ड्राइंग का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करके अपनी टीचिंग को ईजी बना सकते हैं, और फोटोग्राफी भी सेम ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम हमारी टीचिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक अच्छी तस्वीर एक शब्द के उपयोग के बिना एक कहानी बताने में सक्षम है, मतलब अ गुड पिक्चर इज एबल टू टेल अ स्टोरी विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड। मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी फोटो होगी, अच्छी पिक्चर होगी, उसमें लर्नर्स को ज़्यादा चीज़ें समझानी नहीं पड़ेगी। कैसे समझानी नहीं पड़ेगी, मतलब लर्नर्स को ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये फोटो यहाँ पे क्यों लगाई है, इसका क्या मतलब है, इस फोटो से क्या मतलब है, इस फोटो से क्या कहना चाह रहा है ऑथर, इससे क्या कहना चाह रहा है। मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी फोटो होगी, अच्छी पिक्चर होगी, उसके थ्रू हम लर्नर्स को बिना कुछ बोले ही चीज़ें समझा सकते हैं। मतलब जितनी अच्छी फोटो होगी, हम सिर्फ उसको देख के ही चीज़ें समझ जाएंगे, हमको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इज़ योर पिक्चर और फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट इज़ योर मैप। अब मैप क्या होता है? मैप एक नक्शा होता है। नक्शा क्या है? मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया।
मैप भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. विजुअल क्यों कहा है? क्योंकि हम इसको सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते. ठीक है, अब मैप के थ्रू हम किसी भी एरिया को, किसी भी रीजन को दर्शा सकते हैं. नक्शे के थ्रू हम किसी भी रीजन को, किसी भी एरिया को दर्शा सकते हैं और बच्चों का ध्यान उस एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर एरिया पे ला सकते हैं. अगर हमको किसी एरिया के बारे में बताना है या किसी पर्टिकुलर रीजन के बारे में बताना है, वहाँ के एलिमेंट्स दिखाने, वहाँ की पॉलिटिकल, वहाँ की ज्योग्राफी अगर हमको बतानी है, तो हम मैप के अंदर इजीली ड्रॉ करके बच्चों को दिखा सकते हैं, है ना. सो दैट इज योर मैप, मतलब नक्शा. नेक्स्ट इज योर आरेख या डायग्राम. डायग्राम क्या होता है? अ प्लेन स्केच ड्रॉइंग और आउटलाइन डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट और एक्सप्लेन हाउ समथिंग वर्क्स और टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स ऑफ होल इज कॉल्ड अ डायग्राम. मतलब डायग्राम भी आपका एक स्केच होता है, एक ड्रॉइंग होती है, जिसके थ्रू आप अपने बच्चों को नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं, वो भी विजुअल मेथड के थ्रू. मतलब अगर आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख के बताओगे या बोल के बताओगे, तो उनको वो चीज़ें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी. अगर आप वही सेम चीज़ें उनको किसी पिक्चर में ड्रॉ करके किसी डायग्राम के थ्रू दिखाओगे, तो उसको वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और ज़्यादा लंबे समय तक उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगी. तो डायग्राम का यूज भी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो टीचिंग है वो और ज्यादा एनहेंस हो, बच्चे को मजा आए, इंटरेस्ट आए और बच्चों के अंदर मोटिवेशन बना रहे नई नई चीजों को समझने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज योर बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? आपने अपनी स्कूल्स में देखा होगा पहले, या फिर आप अभी कभी किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में विजिट किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होता है. उस पर क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको देखें, उसकी तरफ आकर्षित हो, तो हम क्या करते हैं उस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पिन के थ्रू उस ग्रीन बुलेटिन बोर्ड पर चिपका दिया जाता है, है ना. और वो बोर्ड की जगह ऐसी जगह होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे सभी लोग उसको इजीली एक्सेस कर सकें, उसको इजीली देख सकें और उस इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सकें. आप लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा कि हमारा डेली का जो टाइम टेबल होता था या हमारा एग्जाम का टाइम टेबल या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी होती थी जो टीचर्स चाहते थे या प्रिंसिपल चाहते थे कि हमारे बच्चों तक या हमारे टीचर्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो क्या होता था, एक ग्रीन कलर का बुलेटिन बोर्ड होता था, उसके ऊपर पिन से उस इन्फॉर्मेशन को स्टिक कर दिया जाता था और फिर बच्चे जब भी उसके आसपास से गुजरते थे तो उनका ध्यान पड़ता था उस इन्फॉर्मेशन पे और उनको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता था कि अच्छा आज ऐसा होने वाला है क्या, या हमारा ये टाइम टेबल है, या सर हमको ये बताने वाले हैं, या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो देना चाहते थे उसके बारे में बच्चों को पता चलता था. तो वो था आपका बुलेटिन बोर्ड. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे एक ऐसा बोर्ड दिखा हुआ है, उसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चिपकाया गया है पिन के थ्रू, पिन की हेल्प से. तो वो होता है बुलेटिन बोर्ड. ये ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, इस पर हम किसी भी अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पिन के थ्रू चिपका सकते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे भी हमारी जो टीचिंग है या हम जो भी अपने लर्नर्स को सिखाना चाहते हैं वो हम इजिली सिखा सकते हैं. तो ये थे आपके कुछ मेथड्स जो कि आपके ट्रेडिशनल मेथड्स थे. कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पहले ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चार्ट, फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, पोस्टर्स, मैप, डायग्राम्स और आपका बुलेटिन बोर्ड. ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा. नेक्स्ट है आपका मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. अब ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम तो आपके कन्वेंशनल मेथड थे, मतलब वो पुराने समय में चलते थे. अब मॉडर्न समय में कौन कौन से टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, मतलब मॉडर्न समय में हम किस तरीके से अपनी टीचिंग को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो मॉडर्न मेथड्स जो होते हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होते हैं. स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों, ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, लर्नर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड. लर्नर सेंटर्ड जिसमें लर्नर्स के अकॉर्डिंग टीचिंग और लर्निंग होती है, और टीचर सेंटर्ड में टीचर के अकॉर्डिंग होती है. तो आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जो आपके कन्वेंशनल मेथड थे, वो आपके टीचर सेंटर्ड थे. उसमें जो भी टीचिंग लर्निंग होगी वो टीचर के अकॉर्डिंग होगी, है ना, क्योंकि उसमें जो भी टीचिंग लर्निंग करवाएगा वो टीचर ही कराएगा. चार्ट भी टीचर ही बना के लेके आएगा, बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा, पोस्टर भी टीचर ही बना के लेके आएगा, डायग्राम्स भी टीचर ही बना के लेके आएगा, सब कुछ जो है वो टीचर ही प्रेजेंट करेगा. लेकिन मॉडर्न मेथड्स जो है वो आपके स्टूडेंट सेंटर्ड है. स्टूडेंट सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें लर्निंग जो होगी वो बच्चे खुद से करेंगे, खुद से करके फिर चीज़ों को सीखेंगे. इसलिए मॉडर्न मेथड्स जो है वो आपके स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, ना कि टीचर सेंटर्ड. तो वन बाय वन मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को देखते हैं. सबसे पहला है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज. हैंड्स ऑन एक्टिविटी मतलब जिसमें बच्चे खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं, ना ही किसी टीचर पे डिपेंडेंट रहते हैं, ना ही किसी और पे. बच्चे खुद से चीज़ों को करेंगे और फिर उनको सीखेंगे, वो होता है आपका हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़. दूसरा है
स्टूडेंट्स लेट डिस्कवरी, मतलब मॉडर्न मेथड्स में स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी करके नई नई चीज़ों को खोज करके और फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, अपनी मेमोरी को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रुप के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ करना। तो इसमें क्या होता है, लर्नर्स क्या करते हैं, अपने आप को एक ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रुप में चार पांच बच्चे मिलके, और फिर आपस में पढ़ाई करेंगे, आपस में एक दूसरे को समझाएंगे, अपने थॉट्स जो है वो शेयर करेंगे, अपने आइडियाज़ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, एक दूसरे को समझने की सद्भावना आएगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे इजीली, और एक दूसरे के जो भी थॉट्स जो भी आइडियाज़ हैं वो सभी के अंदर मिल बांट के अच्छे से उसको डेवलप कर सकेंगे। तो वो है आपका ग्रुप एक्टिविटीज़, जिसमें कुछ बच्चे अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर ग्रुप की हेल्प से, मतलब बाकी सभी बच्चों की हेल्प से, सभी लोग चीज़ों को अच्छे से सीखने समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स क्या है, अब टीचर जो है वो स्टूडेंट को किसी भी एक टॉपिक पे या कंसेप्ट पे प्रोजेक्ट दे देगा और फिर स्टूडेंट क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और उस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना के लेके आएगा। तो जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसके बारे में रिसर्च करेगा, उसको नई नई नॉलेज पता चलेगी, तो उससे क्या है, लर्नर खुद के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखेगा, मतलब खुद करके चीज़ों को सीखेगा। तो ये भी आपका मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आता है। लास्ट इज योर कंप्यूटर गेम्स। अब कंप्यूटर गेम्स मतलब ऐसे गेम्स जिसके थ्रू बच्चों का माइंड जो है वो डेवलप हो सके, बच्चों का ब्रेन जो है वो डेवलप हो सके। तो ऐसे गेम्स भी आ चुके हैं बहुत सारे, जिनकी वजह से बच्चों के अंदर जो है थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती है, उनकी माइंड उनकी नॉलेज बढ़ती है। तो ऐसे गेम्स के थ्रू भी लर्नर्स जो है वो खुद के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सकते हैं, खुद के द्वारा खुद करके चीज़ों को सीख सकते हैं, उसके लिए उनको किसी टीचर किसी गाइड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है आपके मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स लेड डिस्कवरी, ग्रुप एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स और कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल हमने दोनों ही देख लिए हैं। अब हम देखते हैं आईसीटी बेस्ड क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कौन से टीचिंग एड्स आते हैं। तो सबसे पहले लर्नर कैन लर्न एट एनी टाइम एंड एनी वेयर। अब आईसीटी बेस्ड क्या है, आईसीटी बेस्ड का मतलब है ऐसी चीज़ें जो कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सीखते हैं, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सीखते हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, टेक्नोलॉजी बोल सकते हो या फिर ऑनलाइन एनवायरनमेंट बोल सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोल सकते हो आईसीटी को, है ना। अभी क्या हो रहा है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जिसके थ्रू मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, आप कहाँ से पढ़ोगे, मैं किस टाइम पे पढ़ा रही हूँ, आप किस टाइम पे पढ़ोगे। तो आईसीटी बेस्ड में एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि लर्नर जो है अपने फ्लेक्सिबल टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहीं पे भी कहीं से भी कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि लर्नर्स कैन लर्न एट एनी टाइम एंड एनी वेयर, मतलब किसी भी समय कभी भी लर्नर्स चाहें तो आईसीटी मेथड्स के थ्रू अपनी लर्निंग ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है लर्नर कैन लर्न डिफरेंट कोर्सेज एट सेम टाइम, मतलब आईसीटी मेथड में लर्नर्स क्या हैं, अलग अलग कोर्सेज को सेम टाइम पे भी कर सकते हैं। और आईसीटी प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑल, मतलब आईसीटी क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी तरीके के बच्चों को एक्सेस प्रोवाइड करता है एजुकेशन का, मतलब कैसे भी बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, गरीब हो, अमीर हो, कैसे भी बच्चे हों, वो आईसीटी मेथड के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और इजीली वहाँ पे आके लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये है आपका आईसीटी बेस्ड टीचिंग एजुकेशन। अब इसके कुछ टीचिंग मेथड्स देखते हैं। सबसे पहला है ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या है, आपके कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाके अपने जो भी क्वेरीज है, अपने जो भी डाउट्स है, या आप जो भी कुछ सर्च करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है वीडियोज़ एंड इंटरेक्टिव वीडियोज़। अब वीडियोज़ एंड इंटरेक्टिव वीडियोज़ जो है वो भी आपका आईसीटी बेस्ड है। आईसीटी बेस्ड कैसे, वीडियो में आपकी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अब जो वीडियो मेथड जो है वो आपका ऑडियो और विजुअल दोनों है, याद रखना इसमें, ठीक है। तो आईसीटी बेस्ड मेथड जो होंगे वो आपके ज़्यादातर ऑडियो और विजुअल दोनों ही मेथड्स होंगे, ठीक है। अब वीडियो इंटरेक्टिव वीडियोस का क्या मतलब है, वीडियो और इंटरेक्टिव वीडियोस में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। वीडियो तो आपके सिंपल वीडियो हो गए, अभी आपको ये वीडियोस मिलेंगे और आप इन वीडियोस को देखोगे, ठीक है। तो ये आपके सिंपल नॉर्मल वीडियोस की तरह है। इंटरेक्टिव वीडियोस क्या है,
इंटरैक्टिव वीडियोस वो वीडियोस होते हैं जिसमें आप अगर कोई वीडियो देख रहे हो और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है ना, तो उस टॉपिक का लिंक जो है वो आपको नीचे उसी वीडियो में दिया जाएगा। अब आपको अगर कोई भी एक टॉपिक समझ में नहीं आता है उस पूरे चैप्टर में से, तो आपको उस टॉपिक का लिंक जो है वो साइड में दिया होगा, आप उसी वीडियो के अंदर उस सेम लिंक पे जाके उस टॉपिक को पढ़ सकते हो, सीख सकते हो और वापस सेम उसी वीडियो में आ सकते हो। मतलब एक ही वीडियो के अंदर आप दो वीडियो चला के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मतलब अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है और आप वीडियो के थ्रू सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो क्या करोगे, वीडियो मेथड के थ्रू सिंपली उसकी वीडियो देखोगे उस चैप्टर की या उस सब्जेक्ट की, ठीक है। अब अगर मैं ICT की ही बात करूं, तो ICT बेस आप सपोज करो कि आप ये वीडियो देख रहे हो। अब वीडियो के बाद में आपको अगर ICT बेस टीचिंग मेथड्स में आपको ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज समझ में नहीं आया है, ठीक है, मान लो आपको ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो आपको समझ में नहीं आया है, तो वीडियो के अंदर एक साइड में लिंक दिया होगा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का। आप क्या करोगे, उसी सेम वीडियो के अंदर उसी लिंक को क्लिक करके एक नई वीडियो ओपन हो जाएगी और वो जो वीडियो होगी वो आपके ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज से रिलेटेड होगी। आप वहाँ पे उसको टॉपिक को कवर करोगे, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का टॉपिक वहाँ पे कवर होगा, वहाँ पे आपको समझ में आ गया वो टॉपिक। उसके बाद में आप वापस से प्रीवियस टॉपिक पे आ जाओगे, मतलब वापस से आपकी जो सेम वीडियो जो चल रही थी उसी पे आप वापस से आ जाओगे। तो ये होता है आपका वीडियो एंड इंटरेक्टिव वीडियोज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लेंडेड एंड फ्लिप्ड लर्निंग। ब्लेंडेड और फ्लिप्ड लर्निंग भी आपके ऑनलाइन लर्निंग या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इजीली लर्न कर सकते हो, इजीली एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब ICT बेस्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन मेथड्स हैं जो कि हमने डिटेल में देखे हैं, स्वयं प्रभा और MOOCs। आई होप आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है और MOOCs क्या है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक पूरी वीडियो के अंदर डिटेल में, ठीक है। और मोबाइल लर्निंग जो है वो भी आपका ICT बेस्ड है। इसमें भी हम क्या करते हैं, मोबाइल लर्निंग में भी हम ऑनलाइन चीज़ों को सीख सकते हैं और ईजिली एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है आपका ICT बेस्ड टीचिंग एजुकेशन। तो आई होप आपको अभी तक ये सब समझ में आया होगा। ट्रेडिशनल मेथड्स जिसमें हमने चार्ट्स, पोस्टर, डायग्राम्स का यूज़ किया है, मॉडर्न मेथड्स जिसमें बच्चों ने खुद ने डिस्कवरी करके चीज़ें सीखी है, प्रोजेक्ट मेथड से, ग्रुप एक्टिविटीज से, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से और कंप्यूटर गेम्स के थ्रू बच्चे खुद से चीज़ों को सीख रहे हैं करके, है ना। और फिर उसके बाद में आया हमारा ICT बेस्ड मेथड्स, जिसमें क्या हुआ, ICT बेस्ड मेथड में टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें बच्चे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करके ईजिली अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ICT बेस्ड मेथड, इसमें हमने देखा स्वयं प्रभा, MOOCs, मोबाइल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, फ्लिप लर्निंग, वीडियो इंटरेक्टिव वीडियोस एंड ओपन एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में, की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के प्रमुख व्यवहार क्या होते हैं, मतलब अगर किसी टीचर को अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग करना है, इफेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए प्रमुख व्यवहार क्या होने चाहिए उसकी टीचिंग के अंदर। सबसे पहला तो लेसन क्लैरिटी, मतलब पाठ की स्पष्टता, मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की एकदम परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो आज क्या पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है क्या वो सही है, अप टू डेट है, कहीं वो कोई वो प्रीवियस बातें तो नहीं बता रहा है 10 साल 5 साल पुरानी जो आज के समय में कोई किसी काम की नहीं है, है ना। तो उस टॉपिक को लेकर टीचर जो है वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो सबसे पहला है पाठ की स्पष्टता, मतलब लेसन क्लैरिटी। सेकंड है आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मतलब शैक्षिक विविधता, मतलब जो भी टीचर अपने क्लास में पढ़ा रहा है उसके अंदर वैरायटीज होनी चाहिए, जिन भी इंस्ट्रक्शंस का वो यूज़ कर रहा है, तो ऐसे नहीं है कि वो सभी क्लास में एक ही इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर रहा है या फिर वो डेली सिर्फ एक ही चीज़ों के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर वो पोस्टर्स ला रहा है, मैप ला रहा है, चार्ट ला रहा है, ग्राफ्स ला रहा है, तो वो रोज़ अलग अलग चीज़ों के थ्रू बच्चों को पढ़ाए, ताकि उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा, बच्चे बोरिंग फील नहीं करेंगे, और बच्चों में इंटरेस्ट रहेगा तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन रहेगा नई नई चीज़ों को सीखने का, और बच्चे नई नई चीज़ों को ईजिली और बहुत ही जल्दी सीख सकेंगे, है ना। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी यानी कि शैक्षिक विविधता होनी चाहिए आपकी टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, मतलब
शिक्षक कार्य निर्देशन, अब ये क्या है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन लिखा है मिनिमम डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस, मतलब जब टीचर अपने क्लासरूम में टीचिंग कर रहा है तो उसका मेन ये उद्देश्य होना चाहिए कि उसके क्लास में जब भी वो टीचिंग करे तब कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब कम से कम डिस्टर्बेंस हो। जब भी वो अपनी क्लास में टीचिंग करे तो माहौल जो है वो एकदम शांत रहे, एकदम पीस रहे, डिसिप्लिन रहना चाहिए उसके स्टूडेंट में, ताकि बच्चे जो है उसकी बातों को ध्यान से सुन सके, और जब वो ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे तो ही उनको वो चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए कहा है कि आपके क्लासरूम में टीचर टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब शिक्षक कार्य निर्देशन होना चाहिए आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब प्रभावशाली बनाने के लिए। फिर है एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस मतलब सीखने की प्रक्रिया में व्यस्तता, मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी टीचिंग में सिर्फ आप ही बोल रहे हो, बच्चे जो है वो सिर्फ चुपचाप से सुन रहे हैं बातों को। अगर वो सिर्फ चुपचाप से सुनेंगे, अगर पैसिव रह के वो आपकी बातों को सुनेंगे तो वो बोरिंग फील करने लग जाएंगे, बोरिंग फील करेंगे तो उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा नई नई चीज़ों को सीखने का, और ना ही उनको जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आपकी टीचिंग में इंगेज रहने चाहिए, मतलब अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो, आपने एक टॉपिक पढ़ाया, तो पहले आप उस टॉपिक के बीच में थोड़ा सा गैप दो, अपने बच्चों से पूछो कि आपको क्या लगता है इस टॉपिक पे ऐसा होना चाहिए क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों से आइडियाज़ लो, उनसे एग्जांपल्स लो, उनसे बार बार क्वेश्चन करो कि क्या उनको चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। ऐसे करके आप बच्चों को अपने लर्निंग प्रोसेस में इंगेज रखो, मतलब व्यस्त रखो, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, और इंटरेस्ट बना रहेगा तो उनको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएगी, है ना। और नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सक्सेस रेट, मतलब छात्रों की सफलता दर। अब जब ये सब चीज़ें आपकी टीचिंग में होंगी तो स्टूडेंट की जो सक्सेस रेट है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, मतलब छात्रों की सफलता का जो दर है वो बिल्कुल बढ़ेगा ऊपर। मतलब बच्चों को जब अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, वो इंगेज रहेंगे, टीचर अपने जो भी लेसन लेके आ रहा है उसके लिए एकदम क्लियर है, उसकी क्लैरिटी है उस लेसन के ऊपर, जब ये सभी चीज़ें टीचिंग के अंदर हो रही है तो बच्चों का जो सक्सेस रेट है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये सब है आपके की बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अब इसको याद करना बहुत ही इजी है, आप इसको LITES लाइट्स के नाम से भी इजीली याद कर सकते हैं। अब लाइट्स क्या है, लेसन क्लैरिटी का L, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का I, टीचर टास्क ओरिएंटेशन का T, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस का E और स्टूडेंट सक्सेस रेट का S। LITES के थ्रू आप ये पांचों जो की बिहेवियर्स हैं, लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, स्टूडेंट सक्सेस रेट और एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, इन पांचों ही की बिहेवियर्स को इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पांचों की बिहेवियर समझ में आए होंगे। अब जब हमने एक बार की बिहेवियर्स देख लिए तो अब हमको टीचिंग के कुछ हेल्पिंग बिहेवियर्स भी देखने होंगे। अब हेल्पिंग बिहेवियर्स क्या है, सबसे पहले है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करना, मतलब टीचर जब भी अपनी टीचिंग करे तो वो ये ध्यान रखे कि उसकी टीचिंग में वो अपने स्टूडेंट्स के आइडियाज़ का यूज़ करें, मतलब किसी भी टॉपिक को अगर वो पढ़ा रहा है तो उसमें उसका ध्यान रखे कि वो अपनी बातें तो डालें ही डालें, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं उस चीज़ को लेकर, बच्चों के क्या आइडियाज़ हैं, क्या थॉट्स हैं, उन विचारों को भी उसकी टीचिंग में डाला जाए, ताकि बच्चों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा चीज़ें सीखने में, वो अपनी लाइफ से उन चीज़ों को जोड़ पाएंगे, लिंक कर पाएंगे और उनके अंदर एक मोटिवेशन बना रहेगा अच्छे से नई नई चीज़ों को सीखने का, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरिंग, मतलब इफेक्टिव टीचर्स ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज एंड समराइज द लेक्चर एट द एंड। स्ट्रक्चरिंग मतलब संरचना, मतलब प्रभावी शिक्षकों ने सीखने की गतिविधियों का आयोजन किया और अंत में व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत किया। अब स्ट्रक्चरिंग क्या है, टीचिंग जब भी टीचर करे तो उसकी जो टीचिंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब उसको पहले क्या पढ़ाना है, फिर बाद में उसको क्या पढ़ाना है, कौन से डायग्राम्स के थ्रू उसको अपने बच्चों को सिखाना है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स का यूज़ करना है, और फिर जब लास्ट में उसने पूरा कंसेप्ट अपने स्टूडेंट को बता दिया, पूरा टॉपिक समझा दिया, तो लास्ट में उसकी एक ब्रीफ में समरी देकर अपने स्टूडेंट्स को बताए कि आज हमने हमारे टॉपिक में क्या पढ़ा है। ऐसे करके इस पूरी संरचना के थ्रू, इस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू अगर टीचर अपनी टीचिंग करता है तो उसकी टीचिंग जो है वो इजीली स्मूथली चलती रहेगी और बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा
शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चनिंग, मतलब प्रश्न करना, मतलब आस्किंग अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट हेल्प इन टैपिंग अ रेंज ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। मतलब प्रश्न करना, प्रश्न करना क्या है, आप जब भी टीचिंग कर रहे हो तो आप ये ध्यान दें कि आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बीच बीच में अपने बच्चों से प्रश्न करते रहें। मतलब आप अपने बच्चों से पूछते रहें कि अब मैंने जो ये पढ़ाया है इसमें मैंने क्या बताया, बताओ मैंने कौन सा एग्जाम्पल यूज़ किया, अगर मैंने ये एग्जाम्पल यूज़ किया है तो इसके थ्रू ये कैसे हो रहा है। मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो अपने कंसेप्ट से रिलेटेड अपने बच्चों से बार बार क्वेश्चन पूछते रहो, ताकि उनका जो ध्यान है वो भटके नहीं, वो एक ही जगह रहें, इसी क्लास में रहें, जो टीचर पढ़ा रहा है उनका ध्यान सिर्फ उस पढ़ाई पे ही रहे, कहीं और इधर उधर ना जाए, है ना। तो इसलिए टीचर को पढ़ाते समय अपने बच्चों से बार बार क्वेश्चन करते रहना चाहिए, इससे एक तो बच्चों का ध्यान नहीं भटकेगा और दूसरी बात टीचर को भी पता चलेगा कि जो वो पढ़ा रहा है वो उसके बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, और लर्नर्स को भी ये फीडबैक मिलेगा कि जो टीचर ने उसको पढ़ाया है कि अभी तक उसको वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चनिंग मेथड। फोर्थ इज योर प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब है जांच। इफेक्टिव टीचर प्रोब स्टूडेंट टू एलेबोरेट देयर रेस्पॉन्सेज एज वेल एज अदर्स रेस्पॉन्स टू मेक देम थिंक डीपली देन देयर इनिशियल रेस्पॉन्स। प्रोबिंग का मतलब है जांच करना। अब जो भी टीचर ने पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया है तो टीचर की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि उस कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद में उसको एक समरी, उसको एक समराइज करें, मतलब एक ब्रीफ उसकी समरी बताएं, और फिर उससे रिलेटेड जो टीचर है अपने स्टूडेंट को जांच करे, मतलब उसकी प्रोबिंग करे, उससे क्वेश्चंस पूछे। इससे क्या होगा, सेम बात है, फीडबैक मिलेगा लर्नर्स को भी और टीचर्स को भी कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो उनके बच्चों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये है आपका प्रोबिंग मेथड। फिफ्थ है आपका टीचर अफेक्ट, मतलब शिक्षक प्रभाव। प्रभावी शिक्षक अपने विषय के प्रति उत्साह के माध्यम से छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। मतलब इफेक्टिव टीचर्स कैन बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स अमंग देयर एंथुजियाज्म फॉर देयर सब्जेक्ट। अब टीचर्स इफेक्ट क्या है, जब टीचर अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाएगा, है ना, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन कैसे होगा, अपनी टीचिंग के थ्रू टीचर क्या करेगा, बार बार बच्चों से सवाल करेगा, उनको लर्निंग प्रोसेस के अंदर एंगेज रखेगा, मतलब व्यस्त रखेगा। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और अगर इंटरेक्शन अच्छा होगा तो टीचर का जो प्रभाव है, जो अफेक्ट है, वो बच्चों पे अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका टीचर्स अफेक्ट, मतलब शिक्षक का प्रभाव। तो ये थे आपके कुछ हेल्पिंग बिहेवियर्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग, मतलब कुछ ऐसे बिहेवियर्स जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, मतलब प्रभावशाली बना सकते हैं। सबसे पहला, स्टूडेंट के आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन लेना, मतलब यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब छात्रों के विचारों और योगदान का उपयोग करना। सेकेंड, स्ट्रक्चरिंग, संरचना। थर्ड, क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना। फोर्थ, प्रोबिंग, जाँच करना। एंड फिफ्थ था आपका टीचर अफेक्ट, मतलब शिक्षक का प्रभाव। तो ये सभी मेथड अगर आपकी टीचिंग में होंगे, यही पांचों हेल्पिंग बिहेवियर्स और ये पांचों की बिहेवियर्स अगर आपकी टीचिंग में होंगे, तो किसी भी टीचर की जो टीचिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी, और लर्नर्स को जो है उस टीचिंग में इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, उसके उनके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा, और उनके अंदर नई नई चीज़ें सीखने की जो भावना है वो भी जागरूक रहेगी, वो भी जगी हुई रहेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास अभी तक की, जिसमें हमने कुछ सपोर्ट सिस्टम्स देखे थे, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT बेस्ड, और उसके बाद में हमने कुछ की बिहेवियर्स और कुछ हेल्पिंग बिहेवियर्स देखे हैं जिसके थ्रू टीचर जो है अपनी टीचिंग को क्या कर सकता है, इफेक्टिव बना सकता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ अप्रोचेस दी है, तो अब उन अप्रोचेस को देखते हैं कि उन अप्रोचेस के थ्रू हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं या कैसे एजुकेशन को गेन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बिहेवियरिज्म, मतलब व्यवहारवाद। बिहेवियरिज्म जो है वो Ian Thorndike ने दिया है। बिहेवियरिज्म में कहा है, कंडीशनिंग बाय लर्निंग न्यू बिहेवियर्स, मतलब हम कैसे नए बिहेवियर के थ्रू, नए व्यवहार के थ्रू चीज़ों को सीख सकते हैं। तो बिहेवियरिज्म में बेसिकली दो लॉज की बात हुई है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अब इसका यहाँ क्या मतलब है? इसका यहाँ वही सेम मतलब है कि जैसे जैसे अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है या नहीं लगती है या जो भी है, अगर हम किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगी, वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, आदत में बन जाएगी, हमको उस चीज़ की हैबिट हो जाएगी और धीरे धीरे फिर वो चीज़ जो है वो हमारे बिहेवियर में आ जाएगी, मतलब हमारे व्यवहार में आ जाएगी. और इस तरीके से हम प्रैक्टिस करके चीज़ों को अपने व्यवहार में ला सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं. ये है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस के थ्रू हम कैसे चीज़ों को अपने व्यवहार में ला सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं. दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट या फिर लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट. मतलब क्या है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट या लर्नर जो है वो कोई भी चीज़ करता है, अगर उसको उसके बदले में कोई भी एक्टिविटी करता है, अगर उसके बदले में उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो उसकी उसके दिमाग में क्या बात रहती है कि इससे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला, मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे बार बार इस चीज़ को करना चाहिए, मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे. और अगर किसी चीज़ को करने से उसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है ना, तो उसको उसके दिमाग में क्या रहेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, इससे मुझे पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला है, मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला है, लोग इससे मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मुझे हर्ट हो सकता है ना. तो वो चीज़ क्या करेगा, लर्नर जो है वो करना बंद कर देगा. तो यही कहा है लॉ ऑफ इफेक्ट में, मतलब अगर हम कोई चीज़ करते हैं और उसके बदले में हमको अगर अच्छी चीज़ें मिलती है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है उस चीज़ के बदले में, उस चीज़ के एंड में, तो हम क्या करेंगे, वापस से दोबारा वही सेम चीज़ रिपीट करने की कोशिश करते हैं. और अगर हमको उसके बदले में उसका नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को करना बंद कर देते हैं. मतलब जो चीज़ करने के बाद में जैसा इफ़ेक्ट होता है, जैसा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का हमारे ऊपर या हमारे व्यवहार के ऊपर, उसके थ्रू भी हम टीचिंग या लर्निंग कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम एजुकेशन को गेन कर सकते हैं. तो यही कहा है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, तो उस टास्क का जो भी इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी लर्निंग होती है. तो बिहेवियरिज्म में यही कहा है कि कैसे हम बिहेवियर के अकॉर्डिंग, हमारे व्यवहार के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है. और बिहेवियरिज्म जो है वो ईएन थॉर्नडाइक ने दिया है. सेकंड है आपका जेस्टरल साइकोलॉजी. जेस्टरल साइकोलॉजी को हिंदी में भी आपको जेस्टरल साइकोलॉजी टर्म से ही पढ़ना है. अब जेस्टरल साइकोलॉजी क्या है? जेस्टरल साइकोलॉजी में लिखा है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. मतलब क्या है? अगर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ अच्छे से समझ में आए या कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, तो वो जेस्टरल साइकोलॉजी का यूज़ कर सकता है. जेस्टरल साइकोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकता है? अगर आपको कोई भी कंसेप्ट पढ़ना है तो आप पहले उस चीज़ को, उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को एज अ होल देखो और फिर उसके बाद में उसको छोटे छोटे भागों में बांट के, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको एनालाइज करने की कोशिश करो. मतलब अगर सपोज मैं किसी, मैं पेन की बात करूं तो अगर मैं आपको एक पूरा पेन दिखाती हूं, एक सिंगल पेन दिखाती हूं अगर मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा वो पेन देख के कि हाँ ये पेन है ना. लेकिन अगर वही मैं उस पेन को अलग अलग भागों में बांट के आपको दिखाती हूँ, मतलब एक हाथ में मैं आपको पेन की रिफिल दिखाती हूँ, एक हाथ में मैं आपको पेन का ढक्कन दिखाती हूँ, एक हाथ में मैं आपको पेन की बॉडी दिखाती हूँ, है ना, तो आपको क्या ऐसे अलग अलग पार्ट से समझ में आएगा कि ये चीज़ है क्या. तो यही जेस्टरल साइकोलॉजी में कहा गया है कि किसी भी चीज़ को अगर हमको अच्छे से समझना है, अगर हमको उस पर कमांड करना है, हमको उस पर मास्टरी करनी है, अगर हमको वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमको उसे पहले एज अ होल देखना होगा, एज अ संपूर्ण देखना होगा और फिर उसके बाद में हमें उसे अलग अलग भागों में बांट के एनालाइज करके सीखने की कोशिश करनी होगी. थर्ड है आपका आइडियलिज्म. आइडियलिज्म का मतलब है आदर्शवाद. आइडियलिज्म जो है वो फ्रॉबेल, कांत और प्लेटो और ऐसे कई अलग अलग स्कॉलर्स ने दिया है. अब आपको इनके स्कॉलर्स के नाम भी याद रखने हैं. यूजीसी में इस ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ईएन थॉर्नडाइक ने कौन सी आपकी फिलोसॉफी दी है या फिर प्लेटो जो है वो किससे रिलेटेड है, और चार ऑप्शंस दे देंगे. तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं आइडियोलॉजी के साथ में, ठीक है. अब आपका आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म में कहा है माइंड इज द सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड दे एम्फसाइज ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. मतलब आइडियलिज्म में मेन फोकस जो है वो गॉड पे रखा जाता है कि जो भी कुछ हम सीखते हैं या जो भी हमारी लर्निंग होती है वो भगवान द्वारा ही होती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा ये रिलेट करता है आइडियलिज्म, है ना.
अब गॉड को कैसे सेंटर पॉइंट रखते हैं कि जो भी चीज हमारी होगी, जो भी लर्निंग हमारी होती है वो हमारे गॉड के थ्रू ही होती है। कैसे गॉड के थ्रू होती है? ये जो पूरा वर्ल्ड है इसको गॉड ने ही क्रिएट किया है, ये जितनी भी चीजें बनाई है वो सब भगवान ने ही बनाई है। तो हमारी जो नॉलेज होगी, जो नॉलेज बढ़ेगी, जो या फिर जो भी लर्निंग होगी वो भी गॉड के थ्रू ही होगी, वो भी भगवान के थ्रू ही होगी। तो ये कहा है आपके माइंड, आपके आदर्शवाद में, आपके आइडियलिज्म में, ठीक है। आइडियलिज्म में भगवान को केंद्र में रखा है, यानी कि गॉड को सेंटर पॉइंट पे रखा है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो जीन पियाजे एंड जे एस बर्नर ने दिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहा है? लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। जीन पियाजे बेसिस टू लर्निंग अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहा है? कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो जीन पियाजे और जे एस बर्नर ने दिया है। आपको इसके भी नाम को याद रखना है आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहा है? लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। मतलब लर्नर्स क्या करते हैं? अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं? प्रायर नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ते हुए लर्नर्स अपनी नई नॉलेज को बिल्ड करते हैं। मतलब आपने जो भी कुछ पहले सीखा होगा उसके साथ में आगे जोड़ जोड़ के आप अभी चीज़ों को सीख रहे हो, तो क्या कर रहे हो? अपने लाइफ में नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नई नॉलेज को क्रिएट कर रहे हो। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें हम पुरानी नॉलेज को जोड़ के नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म जो है वो टैगोर ने, रूसो ने और स्पेंसर ने दिया है। नेचुरलिज्म में नेचर को केंद्र में रखा जाता है, मतलब नेचर को सेंटर पॉइंट पे रखा जाता है। कंसिडर नेचर एज द होल ऑफ द रियलिटी। आर सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज एंड नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। मतलब नेचुरलिज्म में नेचर की बात हुई है, नेचर की बात कैसे हुई है कि जो भी हमारी लर्निंग होती है, जो भी हम एजुकेशन लेते हैं या जो भी हम कुछ भी सीखते हैं वो प्रकृति के थ्रू ही सीखते हैं, नेचर के थ्रू ही सीखते हैं। क्यों? जैसे हमने आगे पढ़ा था ना आइडियलिज्म में हमने क्या देखा था? यहाँ पे गॉड को सेंटर पॉइंट में रखा है कि गॉड ने ही इस पूरी धरती को, इस पूरी पृथ्वी को बनाया है, तो हम जो भी कुछ सीखेंगे वो गॉड के थ्रू ही सीखते हैं, भगवान के थ्रू ही सीखते हैं, है ना। वैसे ही नेचुरलिज्म में नेचर को सेंटर पॉइंट पे रखा है और कहा है कि ये जो भी कुछ है आज, जो भी कुछ ही दुनिया है, वो प्रकृति की वजह से ही है, नेचर की वजह से ही है, और हम भी जो है वो नेचर की वजह से ही है। तो इसलिए हम कुछ भी सीखेंगे या कोई भी हमारी लर्निंग होगी वो नेचर की वजह से ही होगी, यानी कि नेचुरली हमारी लर्निंग होगी, ठीक है। अलग अलग आइडियोलॉजीज में अलग अलग चीज़ों को सेंटर पॉइंट पे रख के माना गया है, है ना। तो ये था आपका नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। उसके बाद में है आपका प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिस। अब सीएस पाइसर एंड जॉन डीवी ने आपको प्रैग्मेटिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया है। इट फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग ट्रस्ट सॉरी ट्रूथ इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब प्रैग्मेटिज्म, मैंने आपको बताया प्रैग्मेटिज्म को आप प्रैक्टिस वर्ड से याद रख सकते हो, और प्रैग्मेटिज्म को इजीली अगर आपको लर्न करना है तो आप प्रैक्टिस वर्ड से भी लर्न कर सकते हो, है ना। अब प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिस को सेंटर पॉइंट पे रखा गया है। जैसे नेचुरलिज्म में नेचर को सेंटर पे रखा गया था, आइडियलिज्म में भगवान को सेंटर में रखा गया था, वैसे ही प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिस को सेंटर पे रखा गया है। प्रैक्टिस को कैसे? इसमें कहा गया है कि लर्नर जितना ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें उसको अच्छे से समझ में आएगी। मतलब एक चीज़ को लर्नर जितनी बार प्रैक्टिस करता जाएगा, जितनी बार उस चीज़ को वापस से वापस रिपीट एंड रिपीट करता जाएगा, उतनी ही बार वो चीज़ जो है उसके दिमाग में और अच्छे से फिट होगी और धीरे धीरे वो उस चीज़ में मास्टरी कर लेगा, है ना। तो प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिस की बात हुई है, प्रैक्टिस को सेंटर पॉइंट रखा गया है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब मानवतावाद। इट बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमंस। अब जैसे प्रैग्मेटिज्म में प्रैक्टिस को सेंटर पॉइंट रखा गया है, वैसे ही ह्यूमैनिज्म में ह्यूमन को सेंटर पॉइंट रखा गया है। प्रैग्मेटिज्म में क्या कहा है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे। नेचुरलिज्म में कहा है कि नेचर की वजह से ही हम सब लोग हैं, तो हमारी जो भी लर्निंग होगी, जो भी हम कुछ सीखेंगे वो नेचर की वजह से ही सीखेंगे, प्रकृति की वजह से ही सीखेंगे। लेकिन ह्यूमैनिज्म में क्या कहा गया है कि ह्यूमन की वजह से ही हम सब लोग हैं। आज अगर इस अर्थ पे ह्यूमन ही नहीं होते तो लाइफ कहाँ से आती, है ना।
तो ह्यूमनिज्म में ह्यूमन को सेंटर पॉइंट पे रखा गया है और कहा है कि हम जो भी कुछ सीखते हैं वो ह्यूमंस की वजह से सीखते हैं, मतलब मानव की वजह से ही हम चीज़ों को सीखते हैं। और जैसे जैसे हमारे अंदर ह्यूमैनिटी बढ़ती जाती है, मानवता जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हम नई नई चीज़ों को सीखते जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रैशनलिज्म, मतलब तर्कवाद। रैशनलिज्म मतलब तर्कवाद, मतलब रीजन। बींग लॉजिकल टू गेन नॉलेज, मतलब अगर हमको किसी भी चीज़ को लर्न करना है, कोई भी नॉलेज लेनी है, तो रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमैनिज्म में ह्यूमन को सेंटर में रखा गया था, रैशनलिज्म में रीज़न को सेंटर में रखा गया है। रीज़न मतलब तर्क को, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपके पास में पहले तर्क होना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, है ना। ऐसे अलग अलग तर्क आपके पास में होने चाहिए, रीजंस आपके पास में होने चाहिए। और आप जब उन रीजन का सल्यूशन फाइंड आउट करोगे, तब धीरे धीरे आपको क्या होगी, उस कंसेप्ट की समझ आपके दिमाग में धीरे धीरे आने, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगी और आपको वो जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो रैशनलिज्म में ये रीजन की बात करी गई है कि तर्कवाद की बात की गई है कि तर्कवाद में क्या कहा गया है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपके पास में रीज़न होना चाहिए उसके पीछे। और फिर है आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, मतलब एम्फसाइजेस ऑन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। इसमें इंडिविजुअल की फ्रीडम, इंडिविजुअल की आज़ादी और इंडिविजुअल की चॉइस को सेंटर पॉइंट पर रखा गया है। मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी आज़ादी और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखते हैं, है ना। अगर उन पे हम दबाव देंगे या उनको हम फोर्स करेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए या लर्न करने के लिए, तो वो उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर उनको फ्रीडम होगी, उनकी खुद की चॉइस होगी, उनकी खुद की इच्छा होगी अगर किसी भी चीज़ को सीखने की, तो वो ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालेंगे, ज़्यादा अपने ब्रेन का यूज़ करेंगे और अच्छे से उस चीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या कहा गया है, इसमें फ्रीडम और चॉइस को सेंटर पॉइंट रखा गया है कि अगर इंडिविजुअल अपनी खुद की फ्रीडम के अकॉर्डिंग और खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग अगर चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, तो उसको वो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो ये सब थी आपकी फिलोसोफीज ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले बिहेवियरिज्म, जो कि ईएन थॉर्नडाइक ने दिया है, और इसमें कहा है कि हम कैसे अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर है जेस्टुरल साइकोलॉजी, जिसमें कहा है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। फिर है आइडियलिज्म, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, ये फ्रॉबेल, कांत और प्लेटो ने दिया है, और इसमें गॉड को सेंटर पॉइंट पे रखा गया है। ठीक है, कि गॉड ही जो है, गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड, मतलब सभी क्रिएशन जो है वो गॉड ने ही की है, भगवान ने ही की है, और भगवान ही इन सभी चीज़ों का एक सोर्स है, एकमात्र सोर्स है। ठीक है, इसलिए आइडियलिज्म में गॉड को सेंटर पॉइंट पे रखा गया है। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो जीन पियाजे और जे एस बर्नर ने दिया है, और कंस्ट्रक्टिविज्म में कहा है कि कैसे हम हमारी पुरानी नॉलेज से, हमारी प्रायर नॉलेज से जोड़ जोड़ के नई नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेचुरलिज्म, मतलब प्रकृतिवाद जो है वो टैगोर, रूसो, स्पेंसर ने दिया है, और प्रकृतिवाद में नेचर को सेंटर पॉइंट रखा गया है और कहा है कि जो भी कुछ है वो नेचर की वजह से ही है, प्रकृति की वजह से ही है, इसलिए हम जो भी कुछ सीखते हैं वो नेचर के और प्रकृति की वजह से ही चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद में हमने देखा प्रैग्मेटिज्म, ये सी एस पाइसर एंड जॉन डीवी ने दिया है। प्रैग्मेटिज्म में हमने क्या देखा कि जो भी लर्नर है वो जितना ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करेगा, जितना ज़्यादा चीज़ों से एक्सपीरियंस रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, है ना। फिर हमने देखा ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म में जो है वो ह्यूमन को सेंटर पॉइंट रखा गया है कि जो भी हम कुछ सीखते हैं वो ह्यूमन की वजह से ही सीखते हैं, क्योंकि आज जो भी कुछ है वो हम लोग ह्यूमंस की वजह से ही है। अगर ह्यूमन नहीं होते तो इस संसार का कुछ नहीं होता, है ना, तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती। तो इसलिए ह्यूमैनिज्म में ह्यूमन को सेंटर पॉइंट रखा गया है। फिर हमने देखा तर्कवाद यानी कि रैशनलिज्म, इसमें रीज़न को सेंटर पॉइंट रखा गया है कि आपको अगर कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसके पीछे रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न के थ्रू ही आप ये तर्क लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, ये सब कुछ। फिर हमने देखा एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म में फ्रीडम और चॉइस को, ह्यूमन बींग्स की फ्रीडम और उनकी चॉइसिस को सेंटर पॉइंट पर रखा गया है और कहा है कि अगर ह्यूमंस खुद की फ्रीडम के अकॉर्डिंग और खुद की चॉइसेस के अकॉर्डिंग चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी, बहुत ही आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं और लंबे समय के लिए सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी फिलोसोफीज अच्छे से समझ में आई होगी।
थैंक यू सो मच। और आपको अगर इन सभी के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको अभी तक भी कुछ भी डाउट है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।